क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की लाइनें हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। लेकिन ये लाइनें शहीद सरदार अली साहब की, आप देख सकते हैं मजार के पास जहां हम खड़े हैं, ये चरितार्थ होती दिखाई नहीं दे रही हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपना ही नहीं पूरे अपने परिवार को बलि दे दिया, अंग्रेज़ों के सामने जो नतमस्तक नहीं हुए, जिन्होंने सर नहीं झुकाया, और यही नहीं पूरे गोरखपुर क्षेत्र की आन बान शान को बचाए रखने के लिए जिन्होंने अपना सर कलम करा दिया, ऐसे शहीद सरदार अली खां आज भी देखिए किस तरह से उनकी मजार जो है टूटी फूटी हालत में है। पॉलीथीन और छप्पर से के साय में उनकी मजार है, और जो लोग उनसे प्रेम करते हैं वो यहाँ पर आते हैं, फातिया पढ़ते हैं, उन्हें अगरबत्ती दिखाते हैं, उनके प्रति अपनी श्रद्धा की भावना जगाते हैं। यही नहीं इस क्षेत्र के लोग इन्हें शहीद बाबा के नाम से जानते हैं। ये पूरी तरह से कहा ये फ्रीडम फाइटर थे, अगर ये फ्रीडम फाइटर नहीं थे तो गोरखपुर के एक कह सकते हैं कि हिंदू कुल के लेखक ने जो इतिहास लिखना जब शुरू किए तो उन्होंने सबसे पहले सरदार अली साहब को अपने इतिहास का, अपनी कलम का हिस्सा बनाया, और आईने गोरखपुर जैसी तमाम किताबों में उन्होंने इसका हवाला दिया। और हवाला देने में उन्होंने जब सरदार अली साहब का उल्लेख किया तो उन्होंने बताया कि गोरखपुर के अंदर क्रांति की ज्वाला को भड़काने, आगे बढ़ाने और अंग्रेज़ों के सामने अगर सीना तान के खड़ा होने वाला कोई था तो सरदार अली साहब थे। सरदार अली गोरखपुर के 1857 के योद्धा थे, जिनको अंग्रेज़ों ने ये लिखा कि आप जो है हमारे सामने सरेंडर कर दीजिए और क्रांति से अलग हो जाइए। लेकिन सरदार अली अवध की बेगम हजरत महल के आदेश पर चल रहे थे, चांद की अगुवाई उस समय उत्तर प्रदेश में वही कर रही थी, और वो उनके रिसालदार थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने सरेंडर नहीं किया। लिहाजा अंग्रेज़ जो है उनकी हवेली को घेर लिए। जब 1858 में अंग्रेज़ पुनः गोरखपुर पर आए तो उन्होंने हवेली को घेर लिया और जो जहाँ मिला उसको मार दिया, और मारने के बाद उनको कहीं ले भी नहीं गए, इसी परिसर में दफन भी कर दिया। इसलिए जब मैंने किताब लिखना शुरू किया तो गोरखपुर में लोग सरदार अली को जानते ही नहीं थे। मैंने सबसे पहले उस किताब में उनको सरदार अली को लिखा। आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारे गोरखपुर के जो शहीद हैं, आज़ादी के बाद ये हुआ कि जो जहाँ शहीद हुआ उसको याद किया जाना चाहिए, चौराहों पर उनकी मूर्ति लगनी चाहिए, और गोरखपुर के लोग उनको जाने कि हमारे लिए इन लोगों ने कुर्बानी दी है, और यह काम गोरखपुर में आज तक नहीं हुआ। इसलिए मैंने सब किताब में उनको जगह दिया। फिर जब दूसरी किताब के बाद तीसरी किताब में स्वाधीनता संघर्ष हुआ तो उसमें भी सरदार अली को मैंने जगह दिया, जो केवल क्रांतिकारियों पर है। मैं तो पांचवी पीढ़ी हूँ सरदार अली खां की, और सबसे बड़ा इसमें मैं हूँ, संरक्षक हूँ, और मेरे परिवार के काफ़ी लोग हैं, पीछे मेरा भतीजा भी खड़ा हुआ और लोग भी हैं, और हम लोग बहुत गरीबी की ज़िंदगी गुजार, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी, हमारी जागीरदारी, जो एक रसालदार गोरखपुर के सरदार अली खां थे, तो उनको अंग्रेज़ों से मुकाबला हुआ और वो पीछे नहीं हटे, बावजूद उसके कि अंग्रेजी प्रशासन ने उनसे बार बार ये बात कही कि अगर तुम सरेंडर कर दो और लिखित माफ़ीनामा दाखिल कर लो, हम तुम्हारी संपत्ति तुमको दे देंगे। लेकिन उन्होंने न केवल अपनी जान की बलि दी, परंतु अपनी संपत्तियों की भी बलि दिया, अपने अजीज और अकारीब और रिश्तेदार और बेटे और बेटियों की भी बलि दे दी। उसमें से ख़ानदान के 3-4 लोग किसी तरह से जंगलों में पनाह लिए, और फिर 1865 में वो लोग आकर मोहल्ला खूनीपुर में एक बंजर ज़मीन पर किसी तरह से छुप कर रहे हैं। मैं आपसे दो शब्द यही मैं कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार अगर शहीदों का सम्मान नहीं कर सकती तो शहीद का अपमान भी ना करे। इसकी जीती जागती मिसाल आप देख सकते हैं कि शहीद की मज़ार है और मज़ार के बगल में ये पैखाने की टंकी है। ये कोई मामूली शहीद नहीं है, ये गोरखपुर के शहीद सरदार अली खां हैं, जिन्होंने भारत देश की इज्जत के खातिर, इस वतन की मोहब्बत के खातिर अपने परिवार, अपने छोटे छोटे बच्चों तक की बलि चढ़ा दिया इस देश को बचाने के लिए। लेकिन आज स्थिति ये कि 1947 के बाद से भारत सरकार जब आज़ाद हुई और भारत सरकार का जब गठन हुआ, उस वक्त से लेकर आज तक शहीद को सम्मान का दर्जा नहीं मिला। इनको शहीद का दर्जा देना चाहिए, और कोतवाली परिसर, पूरी कोतवाली खाली होनी चाहिए, और इस पूरे परिसर को शहीद स्मारक घोषित करना चाहिए। ये हमारी दिल की आवाज़ है और हमारी मांग है। लेकिन आज सरदार अली साहब की उपेक्षा लोग देख नहीं पा रहे हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। ये कोतवाली परिसर के अंदर उनकी ये मजार है, जहाँ पर लोग आते हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, जो इनको जानते हैं। लेकिन ज़रूरत समय के साथ ये है कि सरदार अली साहब को सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, इतिहास के पन्नों से आगे ले जाया जाए। देखिए, मैं जब पहली मरतबा आईने गोरखपुर मैंने पढ़ी तो
तो मैंने वहाँ सरदार अली खान साहब के बारे में पढ़ा, फिर मैंने कई जगह कोशिशें की, इतिहास के साक्ष को जब देखा पलटा, तो एहसास जब पता चला तो मुझे खुद पर रोना आ रहा था कि मैं जिस गोरखपुर शहर में रहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर शहर से आते हैं, वो शहीदों के सम्मान की बात करते हैं, वो शहीदों को उचित स्थान दिलाने की बात करते हैं। और मैं आपको बार बार ये एक बात कहना चाहूँगा, मुझसे पहले भी लोगों ने इस बात को कहा कि आसपास के लोग इनको शहीद बाबा के नाम से जानते हैं, जबकि उनको ये बात बताई जानी चाहिए कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने देश के हित में अपने ही सर को सिर्फ बलि नहीं दी बल्कि अपने घर के एक एक लोगों को बलि पर चढ़ा दी, जिसके बाद जंग आज़ादी में एक अहम रोल अदा किया इन्होंने, खासतौर पर जो गोरखपुर शहर था जिसका पुराना नाम मौजमाबाद है, मौजमाबाद के इस क्षेत्र में। अफसोस की बात यह है कि जहाँ पर लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़ी बातें होती हैं कि हम ये कर रहे हैं, आप यकीन जानिए अभी आप जान रहे हैं कि चौरी चौरा क्या जो है 100 साल पूरा हुआ है, उसके अंतर्गत सरकार जो है उनका पुनरुत्थान कर रही है, तमाम और शहीदों को वो कर रही है। मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से, यह हाथ जोड़ करके हमारी आग्रह है कि देखिए ये बुज़ुर्ग हैं, ये शहीद हैं जिन्होंने देश हित में सारी चीज़ों को जो है छोड़ करके, पूरी मोह माया को मुक्त होकर के इन्होंने देश हित में जो काम किया है उसको आम लोगों तक ले जाया जाना चाहिए, इस स्थान को शहीद स्थल घोषित करना चाहिए। साथ ही साथ जो ये सामने आप रोड देख रहे हैं, इसका नाम भी इनके नाम पर समर्पित होना चाहिए। लोगों का कहना है कि अगर इतिहास से जुड़े हुए पहलुओं को वर्तमान की पीढ़ी को अवगत नहीं कराया जाएगा तो वर्तमान की पीढ़ी कैसे जानेगी कि अंग्रेज़ों से लोहा लेने में, भारत को आज़ादी दिलाने में उनके कुनबे और परिवार के लोगों ने कितनी बड़ी शहादत दी थी। तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों ने, शहीद बाबा से जुड़े हुए लोगों ने, इतिहास लिखने वाले लोगों ने, किताबों में दर्ज करने वाले लोगों ने इस बात की मांग की है कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की सरकार, देश की नरेंद्र मोदी की सरकार शहीदों के प्रति अपना आकर्षण, सम्मान का भाव बढ़ा रही है, चौरी चौरा जैसे कांड को शताब्दी वर्ष के रूप में मना रही है, उसी प्रकार से शहीद साहब की इस मजार को भी वह सृजित करे, इसका विकास करे और लोगों के पर्यटन और आकर्षण का केंद्र बनाए। मुकेश पांडे, ईटीवी भारत, गोरखपुर।